प्यारे बच्चों आदाब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो पहले हम जो आपका होमवर्क है उसको टैली कर लेते हैं। द ओल्ड मैन सेड गुड हेवंस द हट हैज़ गॉट फायर। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको ऐसे, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद फियर, एक्सक्लेम्ड विद फियर दैट द हट हैड गॉट। ये देखना कैसी फीलिंग हो रही है, कहाँ पे कौन सी फीलिंग है, उसी के हिसाब से हमने वहाँ पे लिखना है कि कैसे उसने बात की। द कोच सेड टू द बॉयज, ओह वी हैव वन द मैच। द कोच एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट दे हैड वन द मैच। द प्रिंसिपल सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, TED congratulated me and said that I had stood first in the class। इसमें आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, the principal applauded me, हाँ शाबाशी दी मुझे, एंड सेड, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन भी आ सकता है, अपलाउडेड भी आ सकता है, एंड सेड दैट आई हैड वन द, आई हैड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। द मास्टर सेड व्हाट ए लेजी फेलो यू आर। द मास्टर एक्सक्लेम्ड दैट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, दैट ही, यही जो है ना किसके लिए है, ये थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन यहाँ पे लिखूँगी मैं, ये मास्टर के लिए नहीं है। तो दैट ही वॉज ए वेरी लेजी फेलो। शी सेड हाउ स्वीटली ही सिंग्स। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या सीधे दैट ही, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगी, दैट ही सैंग वेरी स्वीटली। द गर्ल सेड व्हाट ए फाइन वेदर इट इज। द गर्ल एक्सक्लेम्ड with great surprise that the weather was fine। curse it exclaimed the driver who could have foreseen such ill luck। curse it hai ye yahan pe isne गम का एक्सक्लेमेशन की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड विद कर्स, विद ग्रीफ एंड कर्स, विद ग्रीफ एंड कर्स दैट हु कुड, मतलब हो गए किसने सोचा था, यानी नो बॉडी, नो बॉडी हैड फोरसीन such ill luck। The teacher said to the girls, what a shame you have not learned good manners। इसका मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे ही लिख ली हूँ, यहाँ पर छोटा छोटा लिख लेती हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टीचर
exclaimed with regret that the girls had not learned good manners. ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आज आपको, पहले तो हम थोड़ा उस चैप्टर को करेंगे जो चैप्टर हमारा चल रहा है, फिर हम आगे देखेंगे आगे क्या होगा। तो चलिए, हमने कल इसके 6 questions किए थे, ठीक है। आज हमारा इसका 7वां question है, और ये 7वां question जो है हर एक क्वेश्चन का निचोड़ी है, मान लो इस चैप्टर का निचोड़ी है। व्हाई हैज़ द प्ले बीन गिवन द टाइटल ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। इस प्ले को, इस ड्रामा को नाम क्यों दिया गया एक टोकरी मछली से भरी हुई, ऐसा क्यों दिया गया इसको टाइटल। द प्ले ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट्स। ट्राउट माइट हैव बीन गिवन मैनी टाइटल्स लाइक द गोस्ट, ए मर्डर मिस्ट्री और द स्ट्रेंज कन्फेशन। कहता है अगर हम चाहते तो यहाँ जो ये रीडर था, राइटर था, यहाँ जिसने ये बुक प्रिंट की है, या ये जिसकी ये राइटिंग है, ठीक है, जिन्होंने ये लिखी हुई है प्ले, उन्होंने इसका टाइटल जो है, जिन्होंने किसने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली लिखा नहीं है किसने लिखा है, ये लास्ट में लिखा हुआ है शायद, हाँ ये है ना, नील ग्रेंट है इनका नाम, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा, इसका टाइटल दिया ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। इसको वो और भी कोई टाइटल दे सकते थे, द गोस्ट, भूत, ए मर्डर मिस्ट्री, यानी कत्ल, एक ऐसा कत्ल जिसको कोई सुलझा नहीं पा रहा था, या स्ट्रेंज कन्फेशन, या एक ऐसा कबूलनामा जो कि बहुत ही अजीब गुण था। लेकिन इसको बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट जो था वो बहुत ही ज़्यादा सूट करता था। क्यों? क्योंकि इस बास्केट की, इस टोकरी की, जिस मछली से भरी हुई टोकरी की, बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर में या इस केस में बहुत ही ज़्यादा इसकी वैल्यू थी, और ये यहाँ पे इसकी अप्रोप्रिएशन भी थी, मतलब ये बिल्कुल सूट कर रहा था इस ड्रामा को, इस सिचुएशन को, ठीक है। मिसेस जीन लोमोंट हैड बीन फीलिंग ऑन टेंटर हुक्स रिगार्डिंग हर सन। कहते हैं ना, कांटो पर, जैसे हम कोई कांटो पर खड़ा हो कोई, जैसे वैसे ही जो जीन लोमोंट थी, हेक्टर लोमोंट की माँ, वो बेचारी कांटो पर खड़ी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि हालांकि ये जो कानून है, इसने इसके बेटे को छोड़ दिया है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि अभी असली कातिल का पता नहीं चला है, हो सकता है ये शक के बिना पर फिर इसको अरेस्ट करे। दो एक्विटेड ऑन नॉट बीइंग फाउंड गिल्टी, शी स्ट्रेंजली फियर्ड दैट हर सन वुड बी अरेस्टेड। हालांकि कानून ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन हमें वो फिर भी बेचारी, उसके डर था कि कहीं वो उसको फिर से ना अरेस्ट कर ले। मिसेस लोमोंट विजिटेड द जज लॉज ऑन डार्क नाइट, कन्फेसेस हर क्राइम। अब क्या हुआ कि इस ड्रामा के हिसाब से, एक साइड से जो इसका हेक्टर लोमोंट जो सन था, वो नेली सेल्टर के केस में, उसके मर्डर के केस में उसको पकड़ा गया था, और बाद में सबूत ना मिलने पर उसको छोड़ दिया गया था। और दूसरी तरफ ऐसा हुआ कि ये जो जीन लोमोंट है, हेक्टर लोमोंट की माँ, ये कहाँ पहुँची, जज के घर, उसको शुक्रिया अदा करने के लिए, ठीक है, और अपना गुनाह कबूल करने के लिए। शी प्रिटेंडेड टू हैव कम टू थैंक द जज फॉर हैविंग फ्रीड हर सन फ्रॉम द गैलोज। और अपना कबूलनामा भी देने के लिए, यानी अपना गुनाह कबूल करने के लिए भी, और अपने बच्चे के लिए जो उस जज ने किया था, उसको छुड़वाया था, उसको उसके केस को उसने बंद किया था, या उसको बेकसूर साबित किया था, उसके लिए भी उसको वो शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी।